पंजाबी स्टडी पॉइंट 60 थी। देख रहे सारे ही व्यूअर्स का इस चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मैं अमरजीत कौर अगली वीडियो लैके आप जी के सामने पेश हैगी हाँ। तो इस वीडियो आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बी ए के पांचवें सेमेस्टर की पाठपुस्तक मध्यकाली पंजाबी काव्य सुरों इस विच दर्ज पांचवें गुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी उन्हां दी पहली रचना पढ़नी है विसर गई सब तात पराई। तो इस रचना दे विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने मन की अवस्था दर्शाई हैगी आ। इस बारे गल करन तो पहला आपां साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दी जीवन बारे थोड़ी जी गल कर लिए। तो श्री गुरु अर्जन देव जी चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के सब तो छोटे सपुत्र सीगे ते उन्हां दा जन्म 15 अप्रैल 1963 ईस्वी नूं होया। छोटे हुंदिया ही उन्हां दे महान गुणां नूं वेख के श्री गुरु अमरदास जी ने उन्हां नूं दोहता बाणी का पोथा दा वर दित्ता सी। आप जी ने बाबा बुढ़ा जी तो गुरमुखी के अक्षर सीखे अते गुरबाणी का अध्ययन किया ते भाई गुरदास जी उन्हां दे सहपाठी सीगे। गुरु जी ने 30 अगस्त 1582 ईस्वी में गुरगद्दी प्राप्त की। आपका वड्डा भरा पृथ्वी चंद उसके साथी यह सहार ना सके तो इन्होंने जड़ा है उन्होंने जड़ा है अकबर तख्त तो पिछों जहांगीर को झूठियां खबर पहुँचाइया। तो गुरु जी अडोल रहे तो पृथ्वी चंद के साथियों ने जिहड़ा जहांगीर नूं जिहड़ी खबर पहुँचाई उहदे विच की दस्सिया कि उन्होंने गुरु जी ने उसके बागी पुत्र खुसरो की सहायता की है तो इस महाने के नाल गुरु जी नूं कैद कर लिया गया। तो जहांगीर के मन के पहला ही सिख लहर प्रति घृणा की भावना सी। अंत गुरु गुरु जी जिहड़े हैगे ने कैद के ही अनेक तसीहे सहंदिया 30 मई 1606 ईस्वी में शहीदी प्राप्त कर गए। तो सब तो बड़ा काम से उन्होंने जीवन के श्री आदि ग्रंथ की संपादना अमृतसर विखे श्री हरिमंदर साहब की स्थापना इन दोहां महान कार्यों के नाल उन्होंने गुरसिखी को होर मजबूत किया। तो उन्होंने जिहड़ा है आदि ग्रंथ के 31 रागों के 30 रागों के बाणी रची मतलब कहने का भाव है उन्होंने बाकी सारे गुरु साहिबान तो बधेरे बाणी की रचना की है। आप दियां प्रमुख रचनावां ने जिहड़ियां सुखमनी साहिब 12वां 52 अखरी जैत सरी की बार रुति थिति आदि ने। तो सुखमनी साहिब आप जी की सब तो वध हरमन प्यारी बाणी हैगी है। तो आप हुण इस शब्द की जिहड़ी है अर्थ पढ़ते हैं विसर गई सब तात पराई। हुण विसर गई का अर्थ हुंदा विसरना हुंदा भुल जाना जां किसी चीज़ नूं असीं छड्ड दिंदे आ। तात दा अर्थ इत्थे ईरखा है साड़ा है किसी दूजे के प्रति जिहड़ी हैगी है माड़ी भावना जदों साडे अंदर आ जाती है। तो गुरु साहिब कहिंदे हैगे ने कि जदों मैं गुरु की सिक्ख्या प्राप्त कर ली उस उत्ते चलण लग्गिया तां फिर मेरे मन की अवस्था बड़ी ही हैरानीजनक तरीके नाल बदली। तो मेरे मन दे विच्चों दूजियां दे प्रति ईरखा साड़े की जिहड़ी भावना सीगी पराई दूजियां प्रति साड़े की भावना सी वह सब खत्म हो गई विसर गई तो वैसे भुल गई। तो इत्थे मतलब की कह सकते हैं कि यह भावना खत्म हो गई। जब ते साध संगत मोहे पाई मोहे मैं साध संगत मतलब की है गुरुआं दी जिहड़ी हैगी आ संगत करना चंगी सिक्ख्या दे नाल गुरु दी सिक्ख्या दे नाल जदों मैं साध संगत प्राप्त कीती तां फिर मेरे मन दे विच्चों सब दूजियां दे प्रति ईरखा नफरत साड़े दी भावना खत्म हो गई। ना को बैरी नाहे बेगाना सगल संग हम को बनाई। फिर इस तों इलावा होर की जिहड़े हैगा अर्थ जिहड़ा परिवर्तन आया ना को बैरी नाहे बेगाना गुरु जी कहिंदे हैगे ने। फिर उस तों बाद जदों मैं गुरु की सिक्ख्या के नाल साध संगत दे विच बैठना शुरू करता तां फिर मेरे लिए ना को बैरी ना हे बेगाना मेरे मन दे विच ये भावना आई कि मेरा कोई भी बैरी दुश्मन नहीं है ते ना ही कोई मेरे लिए बेगाना है भाव उपरा हैगा।
सगल संघ, सगल संघ सारिया संघ मतलब नाल, हम को बनाई। तो फिर गुरु जी कहते हैं कि इस तो पिछों ना तो मैं किसी अपना कैरी समझता सी ते ना ही बेगाना समझता सी, अते मेरी जड़ी हैगी सारे ही साथियों के नाल चंगी जड़ी है रहन सहन हो गया। कहने का भाव सबना दे नाल मेरा प्यार की भावना बन गई। जो प्रभ किन्नो सो पल मान्यो यह समत साधु ते पाई। ता गुरु की सिक्ख्या प्राप्त करन तो बाद साध संगत विच बैठन तो बाद गुरु साहब के मन कहिंदे ने कि मेरे मन विच की आया, जो प्रभ किन्नो सो पल मान्यो। इस तो पिछों मैं यह समझण लग पिया कि जो परमात्मा करता है वह चंगा ही हुंदा है। सो पल मान्यो चंगा ही हुंदा है। यह सुमत, सुमत का मतलब चंगी समझ जां चंगी अकल। तो यह अकल की गल है जो यह मैं गुरु की सिक्ख्या दे नाल साध संगत तो प्राप्त की है। इस गल की मैं समझ लग गई है कि जो कुछ परमात्मा करता है वह चंगा ही हुंदा करता है। सब में रव रहा प्रभ एको पेख पेख नानक विकसाई। तो सब में सारिया के अंदर रव रहा का मतलब की है, सारे अंदर मौजूद है वह परमात्मा, हर एक जीव के विच मौजूद है। एक है पेख पेख नानक विकसाई, पेख पेख का अर्थ है देख देख के, विकसाई खुश हुंदा। तां गुरु साहब कहिंदे ने कि मैं ये गल देख देख के खुश होण लग पिया हैगा कि हर एक जीव के अंदर उस परमात्मा की जोत जगती हैगी है। तो यह गल मैनू साध संगत दे विच रहण दे नाल ही समझ आई है। कहने का भाव वो कहिंदे हैगे ने मैनू साध संगत विच रहण दे नाल ये उपरोक्त सारे गुण प्राप्त हो गए ने। तो यह जिहड़ा शब्द है यह राग कानड़ा दे विच आदि ग्रंथ दे पन्ना नंबर 1299 दे उत्ते अंकित हैगा। तो हुण आपां इस दे प्रश्न भी वाचते हैगे आ। तां विसर गए सब तात्पराई शब्द दे दा जिहड़ा है विशा वस्तु लिखना हैगा आपां। तो विसर गए सब तात्पराई शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। तो इस विच गुरु साहब ने गुरु की सिक्ख्या द्वारा अपने मन विच्चों दूजियां नूं ओपरा जां वैरी समझण दी रुचि दे खत्म हो जाण दा जिक्र करदे हैगे ने। गुरु जी फरमाउंदे ने कि जदों तो मैं तक तो मैं गुरु की संगत प्राप्त की है तदों तो मैनूं दूजियां दा सुख देख के अंदरों अंदर ही सड़न की आदत भुल गई है। हुण मैनूं कोई वैरी नहीं दिसदा, कोई बेगाना नहीं दिसदा, सब जीवां दे नाल प्यार बणिया होया है। हुण जो कुछ परमात्मा करदा है मैं उसनू जीवां दे भले लई ही मंगदा हाँ। यह चंगी अकल मैं अपने गुरु पासों सीखी है। मैनू जदों तो साध संगत मिल गई है मैनू यूं दिसदा है कि एक परमात्मा ही सब जीवां दे विच मौजूद है। इस करके मैं सारी जीवां नू वेख वेख के खुश हुंदा हाँ क्योंकि मैनू हरेक जीव दे विचों उस परमात्मा की होंद नज़र आउंदी है। अगला प्रश्न, विसर गई सब तात्पराई शब्द का केंद्री भाव की है। इस शब्द के विच गुरु जी ने दस्या है कि जिहड़ा है साध संगत विच रहण दे नाल जां गुरु की सिक्ख्या प्राप्त करन दे नाल मनुख दा जिहड़ा जीवन वो हैरानीजनक तरीके दे नाल बदलदा है। तो उस दे मन दे विचों दूजियां नूं उपरा जां वैरी समझण दी रुचि खत्म हो जाती है। वह हर एक जीव दे विच परमात्मा दी होंद नूं पछाणन लग जाता है। तो इस तरह वह प्रभु दे कीते हरेक काम नूं चंगा ही समझदा है। अगला प्रश्न, मनुख विच ना को बैरी ना ही बगाना समझण दी रुचि किस तरह विकसित हुंदी है। यह रुचि मनुख विच उदों विकसित हुंदी है जदों उह गुरु की सिक्ख्या ग्रहण करता है ते यह अनुभव करता है कि सारे जीवां दे विच एक परमात्मा वसदा है। अगला प्रश्न, विसर गए सब तात्पराई शब्द का विशा की है। इस शब्द का विशा साध संगत तो प्राप्त हुई उस दृष्टि का वर्णन किया है जिस विच ना को बैरी ना ही बगाना ते फिर सारिया दे नाल प्यार रखण की भावना इस शब्द सानू प्राप्त होंगी है कि सानू आप भी जिहड़ा है साध संगत विच रहना चाहिए है। तो सब दे अंदर उस परमात्मा की होंद नू मन्नदे होए सब दे नाल प्यार की भावना दे नाल रहना चाहिए है। तो यह परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो उसका चंग किया है हर एक कर्म चंगा ही हुंदा है। तो यह तो सी इस शब्द की व्याख्या केंद्रीय भाव। तो प्रश्न उत्तर उम्मीद करती हैगी हाँ
तुहानू समझ लग गए होणगे। जेकर वीडियो चंगी लगे तो लाइक ते कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स दे नाल वध तो वध शेयर करना। तो जेकर इस चैनल ते नवे हैगे हो तो इस चैनल की प्लेलिस्ट जरूर वाचना, ग्रामर वाला भाग तुहाडे लई बहुत महत्वपूर्ण हैगा। तो जेकर यह वीडियो तुहाडी पढ़ाई दे लई किसी भी तरीके नाल लाभदायक होई तां इस चैनल नूं सबसक्राइब करके इसका माण वधाउणा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के नाल, तद तक दे लई बहुत बहुत धन्यवाद।